उनका इस्तीफा दे देना इस प्रकार विधानसभा से बहुत चिंता का विषय है। पर 2018 के जब चुनाव हुए थे तब भी वो लड़ने की इच्छुक नहीं थे। जवान बेटी की मौत हो गई थी और बहुत हताश थे। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था PCC का, मैंने खुद जाकर उनसे निवेदन किया और मेरे आग्रह करने पर वो चुनाव लड़ने के लिए माने। चुनाव लड़े और अच्छे वोटर से जीते भी। हेमाराम चौधरी साहब एक बहुत वरिष्ठ, एक कर्मठ कांग्रेस के सीनियर नेता है और वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, 6ठी बार विधानसभा में वो गए हैं। उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो योगदान कांग्रेस पार्टी में है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान नेता हैं और मारवाड़ के एक बहुत महत्व रखने वाले वो जन नेता हैं और मैं समझता हूँ उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका जो जनता के बीच जो लगाव और जुड़ाव है उसका कोई दूसरा उदाहरण कांग्रेस में नहीं है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा जयपुर के अंदर कि उनका इस्तीफा दे देना इस प्रकार विधानसभा से बहुत चिंता का विषय है। इस बार 2018 के जब चुनाव हुए थे तब भी वो लड़ने के इच्छुक नहीं थे। उनके एक जवान बेटे की मौत हो गई थी और बहुत हताश थे, लेकिन मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था PCC का, मैंने खुद जाकर उनसे निवेदन किया कि पार्टी को ज़रूरत है, जनता को ज़रूरत है, ज़िले में पूरे पश्चिम राजस्थान में आपकी एक आवाज़ है और मेरे आग्रह करने पर वो चुनाव लड़ने के लिए माने। चुनाव लड़े और अच्छे वोटर से जीते भी और उनका इस प्रकार जो इस्तीफा उन्होंने दिया है मैं समझता हूँ बहुत चिंता का विषय है। आज पूरे प्रदेश में, देश में महामारी का एक प्रकोप है। उस कोरोना की महामारी से मुकाबला करने के लिए न सिर्फ कांग्रेस जन लेकिन तमाम सभी नागरिक बंधु आगे आए हैं और हमने आज जैसे मेरे क्षेत्र टोंक के अंदर भी हम लोगों ने लोगों की मदद करने के लिए मास्क, दवाइयाँ, वैक्सीन वितरित करी हैं, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ हमारी जनरेशन के लिए इतनी बड़ी चुनौती शायद पहले कभी नहीं आई है और इस सेकेंड वेव में जो नुकसान हो रहा है वो हम सबके सामने है और दिल दिलाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। हजार में जो लाशें हैं वो गंगा नदी में बहाई जा रही हैं, नदी के किनारे आ रही हैं और इस प्रकार का जो एक देश में खौफ का माहौल पैदा हुआ वो सचमुच बहुत दुखद मोड़ है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए। इससे उभरने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और आज इस मौके पर हम सब लोगों ने कोशिश की है कि अपना जो पहले हमारी जो प्रयत्न थे उनको और तेज़ी से लोगों के बीच राहत लेकर हम लोग पहुँच सकें। हमारी कोशिश है कि सहायता लोगों तक पहुँचे। कई बार लोगों को एक समन्वय बनाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो मेरी कोशिश रही कि जो जो हमारे साथ काम कर चुके लोग हैं या काम करना चाहते हैं वो लोग जुड़ें। किसी को हॉस्पिटल बेड, किसी को ICU बेड, किसी को वेंटिलेटर, किसी को दवाइयाँ, किसी को इंजेक्शन और जब किसी घर में कमाने वाले पर बीमारी का साया पड़ता है तो बहुत स्थिति ख़राब हो जाती है। उन लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए सब लोगों ने मिलकर काम किया और मैंने भी कोशिश की कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिले मदद करने का, सहायता करने का, अपने अंदर जो मानवता है उसको प्रदर्शित करने का। और मुझे खुशी है और संतोष भी इस बात का है कि सैकड़ों लोगों को राजस्थान के 33 जिलों में सैकड़ों जगह लोगों को हम लोग कुछ ना कुछ मदद करने में कामयाब रहे। मन ये तो करता है कि सबकी मदद कर सकें लेकिन साधन सीमित है, अस्पताल में बेड सीमित थे तो सब लोगों की पूरी मदद हम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अनेकों लोगों को तक हम लोग अपने सहायता का हाथ पहुँचा सके इस बात का मुझे। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।